सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। शहर औरंगाबाद में मौलाना आज़ाद विचार मंच के तीन रोज़ा वर्कशॉप का आज औरंगाबाद में इफ्तिताह अमल में आया। बाबूराव कदम ने इफ्तिताह का ऐलान किया और अपने भाषण में हुसैन दलवाई और मौलाना आज़ाद विचार मंच की जमकर तारीफ की। इस मौके पर मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष हुसैन दलवाई, सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी, हसीब नद्दाफ, करीम सालार के अलावा उत्तम सिंह पवार, नायब अंसारी, भालचंद मुंगेकर के अलावा कसीर तादाद में औरंगाबाद के विचार मंच और पूरे महाराष्ट्र से आए हुए मौलाना आज़ाद विचार मंच के वर्कर्स और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए आज के प्रोग्राम की झलकियाँ। हम सावरकर के अनुयायी नहीं है, हम महात्मा गांधी के अनुयायी। पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन चला है, मैं मेरे भाई पत्रकारों को बताऊंगा, कहां भी लोगों ने पत्थर नहीं उठाई। महात्मा गांधी ने एक दफा ये कहा था, जब हिंसा हुई उनके आंदोलन में, आंदोलन पीछे रहने का काम किया। नेहरू जैसे लोग भी नाराज हो गए तो भी बोले, और लोग बोले आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। गांधी जी बोले मेरी लीडरशिप खत्म होगी तो भी चलेगा, लेकिन अहिंसा से मैं दो तो कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। आज इस देश के जो ये कानून के खिलाफ है, मुसलमान ही नहीं बल्कि सब लोग हैं, सब लोगों ने तय किया है कितनी भी लाठी चलाओ, कितने भी अत्याचार करो, अपने देशा गौतम बुद्ध नामाचार्य तपस्वी सन्यासी आणि फार मोठे विद्वान माणूस तो होऊन गेला। मी काय देव समजत त्याला एका म्हातारीने जिला असाच प्रश्न पडला होता की धर्म म्हणजे बुद्धाला विचारलं की मला धर्म म्हणजे काय समजून सांगशील का, तू सगळ्या जगाला धर्म सांगतोयस मी असं ऐकलं, पण मला समजेल असं सोप्या दोन तीन ओळीत तुला धर्म सांगता आला तर सांग, याच्यापेक्षा जास्त माझ्या बोल देत नाही। बुद्ध म्हणाला बस आई मी सांग प्रयत्न कर। त्याने तीन ओळी सांगितले, सत्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित् प्रयोदपनं एतं उद्धार शासनं। सत्व पापस्य अकरणं, कुठलेही पाप करू नये, म्हणजे पुण्यकर्म करावं, आणि सच्चित प्रयोदकम याच म्हणजे आपलं चित्त सदैव निर्मळ ठेवा। याच्यामध्ये काय अडचणीच आहे, याच्यामध्ये मुसलमान ख्रिश्चन हिंदू आणि याच्यात काही प्रश्न ते ह्या जर सगळ्या तीन गोष्टीत भोवतीच जर धर्म असेल तर सगळ्यांचा धर्म हा एकच आहे, आणि याच्यामुळं जे काही आज वादंग निर्माण होत आहे ते बरोबर आहे। याच्यातून मार्ग काढायचा बाबासाहेबांनी मोठा प्रयत्न केला, पण त्यांना थोड्याफार प्रमाणात यश आलं। आजही आम्ही त्याच ठिकाणी त्याच चक्रव्यूहात फिरत आहोत की धर्म म्हणजे काय। आम्हाला आता धर्म समजून सांगायला बुद्धासारखा कोणी एखादा मोठा माणूस आला तर आमचे डोळे उघडतील, नाही तर आम्ही हा सेन्स आंधळे बनवून पुढे जात आहोत। थोडं समजून शब्द सांगायचे होते मला, आणि मी या सभेचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो। 54 वर्ष
सार्वजनिक राजकीय वैचारिक जीवनातील आमचे सहकारी खासदार होते गलवाई या शिबिराचे उद्घाटक बाबूजी कदम सर्व मान्यवर आणि आपण सगळे बंधू आणि सुरुवातीलाच मी खासदार उत्तेन गलवाई मौलाना आझाद विचार मंचचे संस्थापक आणि त्यांचे सगळे पदाधिकारी सगळे कार्यकर्ते यांना धन्यवाद देतो की आज अत्यंत गोंधळलेल्या प्रमुख मार्गदर्शक आहेत नेते आहेत त्या सगळ्यांना एकत्रित करून 3 दिवसाचे वैचारिक शिबिर ठेवणे एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचं शिबिर ठेवणं त्याला महाराष्ट्रातून सगळे लोक जमा सोपी गोष्ट नाही, परंतु आपण सगळे आलात या ठिकाणी याबद्दल तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. अत्यंत संक्षिप्तपणे आजच्या परिस्थितीमध्ये हे होत असताना शिबिर होत असताना दुपारी हे शिबिर संपल्यानंतर साधारणपणे मला असं वाटतं की जेवणानंतर भारतातील जमातवादी विचार प्रवाह या विषयावर मी बोलणार आहे. तर आता मी इसलिए इस कार्यक्रम का उद्घाटक सभापति मेरे बापू कदम साहब ने हमको सर्वोच्च कदम साहब ने उद्घाटन किया और 3 ही लफ्जों में जो उन्होंने व्याख्या की है उससे धर्म का सही अर्थ हम समझ सकते हैं. आज यहां मुनेकर जी भी आए हुए हैं, उनके भी विचार हमें सुनना है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में और देश की आजादी में मौलाना आजाद जी का जो योगदान था और आज की मौजूदा हुकूमत जो तमाशा कर रही है, जो दिखावा दिखा रही है, जिस प्रकार से कि हमें अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे जितनी आज की सरकार बुरी है, ऐसी सोच आम नागरिकों में. हिटलर को तो हमने इतिहास में सुना था पर आज हिंदुस्तान में भी हिटलर दिख रहा है. और ऐसे हालात में मौलाना आजाद विचार मंच जो कि सही मामलों में अंबेडकर गांधी जी के विचारों को आगे ले जाने वाला एक मंच है और मौलाना आजाद साहब का तो हमारे देश की शिक्षा में ही योगदान है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही योगदान है पर एक सेक्युलरिज्म जब बोल सकते हैं कि हम किस तरीके से होना चाहिए ये विचार के लिए आज का शिविर जो रखा गया है. इसलिए मैं हुसैन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमारे इस खूबसूरत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में रखा है. मैं इतना ही कहूंगा कि यहां हम तन और मन से इस विचार से जुड़े और उसका अध्ययन करें. धन्यवाद. जय त्यांचं कर्तृत्व हे वेगळं करता येत नाही, एकाच नाण्याच्या ह्या बाजू आहेत आणि नेमकं गांधी नेहरू मौलाना आझाद आणि जी आपली गंगा जमुनाची तहजीब ज्याला म्हणतो आपण ती नष्ट करण्याचं काम या ठिकाणी गेल्या 6 वर्षांमध्ये सातत्यानं सुनियोजित पद्धतीनं या देशामध्ये चालू आहे आणि गेल्या 6 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आमचे ज्येष्ठ नेते सुभाष गोमटे सरांनी प्रश्न मांडले त्या कुठल्याही प्रश्नाची आपण सोडवणूक करू शकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर मोदी शहा आणि संघी सरकारनं ज्या पद्धतीनं रात्री एक वेडेपणाचा निर्णय घेतला होता डिमॉनिटायझेशनचा नोटाबंदीचा त्याचे दुष्परिणाम आजही देश भोगतोय आणि कालच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडानं सांगितलं की भारताच्या प्रगतीचा वेग थांबला त्यामुळे जगाच्याही प्रगतीचा वेग थांबलाय. त्या डिमॉनिटायझेशनचे एवढे मोठे परिणाम जगावर झालेले आहेत आणि दुसरा वेळपट निर्णय या देशामध्ये मोदी शहा आणि संघाचं सरकार घेऊ इच्छितय. सीएए एनआरसी एनआरपी हे दुसरं काहीही नसून डिमॉनिटायझेशन प्रमाणे डी सिटीजनशिप आहे हे या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे.
हे कुठल्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या विरोधात नाही. एका दिवशी देशातील सगळ्या लोकांची सिटिझनशिप ही रद्द केली जाणार आहे. त्यांना सांगितलं जाणार आहे की तुम्ही आज देशाचे नागरिक नाही आहेत इनडायरेक्टली रित्या. आणि प्रत्येकाला तो कुठल्याही जातीचा धर्माचा असू द्या त्याला या देशाचा नागरिक आहे हे सिद्ध करावं लागणार आहे. जो 10-10, 20-20, 25-25 पिढ्यापासून या देशामध्ये राहतोय त्यालाही त्याची स्वतःची नागरिकता सिद्ध करावी लागणार आहे. आणि एक विचित्र खेळ या देशामध्ये संघी विचाराचं हे सरकार सुरू करू इच्छित आहे. आज सगळं हाणून पाडण्याचं काम अशा पद्धतीच्या राष्ट्रीय विचारानं पुढे जाणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. मित्रांनो, उदाहरण म्हणून जर आपण समजून घेतलं तर 1980 साली था की हमारे जो कार्यकर्ता आहे हमारे कम अज कम सारे जिलों में मौलाना आजाद विचार मंच है वहाँ जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका प्रशिक्षण करना ट्रेनिंग करना ये सबसे ज़रूरी है. और फिर हमारे जो जो सवाल आते हैं मुसलमानों के वो इसके तालीम के सवाल आते हैं फिर इसके रिजर्वेशन के सवाल आते हैं नौकरी के सवाल आते हैं इसके बारे में क्या करना कैसा करना क्या करना ये वक्त का बहुत बड़ा मामला है. हर वक्त के मामले के बारे में बहस होती है इसके बारे में लोगों को मालूम देना. फिर अल्पसंख्यक विभाग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स की मालूम देना उसके बुक्स भी हम देने वाले हैं तो उसके ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं वो सोचना और उसको उनको एक सेल तैयार करके उनको इसमें मदद करना ये काम जैसा जैसा कि हाल ये चल रहा है. आप एक लंबा अनुभव रखते हैं राजकारण का जो मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट्स ने जो एक्ट लेकर आ रही है नए नए इसके ताल्लुक से भी आप वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल उसको बहुत तो रहेगा. कम्युनलिज्म के बारे में डॉक्टर ये कानून के बारे में एडवोकेट ये बोलने वाले हैं असीम साहब एडवोकेट बोलने वाले हैं. फिर ये आने वाले हैं हबीबुल्लाह साहब आने वाले हैं वो मुसलमानों के ये सारे सवाल के ऊपर बोले ये सारे हर जगह तज्ञ लोग एक्सपर्ट्स लोग इसमें आने वाले हैं और वो बोलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को इसमें ठीक ध्यान देके सब सुनना है और आगे इसकी कार्रवाई हर जगह कैसे होगी वो देखना है. तो आप ये तैयारी मतलब जो है समाज में ये आपके लोग फैल कर काम करे इसलिए आप ये वर्कशॉप ले रहे हैं. समाज अपना है समाज अपना आगे आना चाहिए अपनी महिलाएं भी आगे लेनी चाहिए अपने एक भी बच्चा बाहर नहीं रहना चाहिए. 37% हमारे बच्चे आज चाइल्ड लेबर में वो कैसे बाहर आएंगे उनको भी शिक्षा कैसी मिलेगी हर बच्चा कैसा सीखेगा वो लड़की होने दो लड़का होने दो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है. ऐसा हम समझते हमारे जरिए कोई पैगाम मैसेज नहीं इसमें सारे लोगों ने सभा कर देना चाहिए. और अभी जो कानून जो आया है उसको पूरी तरह से हमारा विरोध है. ये सरकार को मैं बोलता हूँ कि कानून आप पीछे लीजिए उसमें कोई आपकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है ऐसा नहीं. हालांकि आपकी उदारता दिखाई देगी आप ये हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा लेके आए हैं.